नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। तो आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और ताजा खबरों की ओर। एमपीपीईबी ने एमपी पुलिस में 4000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई परीक्षा कैलेंडर किया जारी। परीक्षा कैलेंडर 2021 के अनुसार अब 8 जनवरी 2022 से शुरू होगी आरक्षी भर्ती परीक्षा। पृथ्वीपुर में इन दिनों उपचुनाव को लेकर चाक चौबंद की व्यवस्था, फिर भी सामने आया सनसनीखेज का मामला। दो व्यक्तियों की धारदार हथियार से गला काटकर की हत्या। मध्य प्रदेश के 7वें पे कमीशन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। दैनिक भोगी श्रमिक और कर्मचारियों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक नए दैनिक वेतन नाम को तय कर महंगाई भत्ते को भी किया गया शामिल। एमपी के रतलाम जिले के अंतर्गत गांव पलदूना में मंगलवार के दोपहर को एक व्यक्ति के शराब के नशे में गांव के बाहर लगे बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर उत्पात मचाने से चारों ओर मच गया हड़कंप। भोपाल में नर्सिंग होम्स एसोसिएशन और आईएमए ने किया नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव का विरोध, कहा कि बदलाव के कारण कई अस्पतालों के बंद होने की आ सकती है नौबत। इंदौर में कारों की जबरदस्त मांग, सेमीकंडक्टर की कमी के कारण पूर्ति में आएगी काफी दिक्कत। ग्वालियर में व्यापार मेला परिसर में लगनी है आतिशबाजी की दुकानें, पर अभी तक तैयारी नहीं, साथ ही परिसर में कोई साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सिर्फ होशंगाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। एमपी में अब बारिश के आसार है कम, पर रात में ठंड का बढ़ेगा जोर। प्रदेश में धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा पर भी महंगाई की मार। पीतल और तांबे के साथ साथ स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी हुए महंगे। ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित अकेडमिक संस्थान के डायरेक्टर ने खुद आगे आकर शहर के गरीब व बेसहारा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्रदेश की कुछ ताजा और अनसुनी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।